अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन के हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। रियासत तेलंगाना गुज़िश्ता हुकूमत ने एक खुशहाल रियासत को कर्ज़दार बना दिया। असेंबली के मुश्तरका इजलास में तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरा राजन का बयान। मजलिसी नामपली के एमएलए माजिद हुसैन ने दस्तकारी कॉरपोरेशन के अहदेदारों और कारीगरों के साथ एक मुश्तरिका मीटिंग बुलाई। कुछ दिन पहले कारीगर मजलिस पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम आए थे और मजलिस सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफ करवाया था। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरा राजन का असेंबली और काउंसिल के मुश्तरका बजट इजलास से खिताब। गवर्नर ने कहा, इंतखाबात के दौरान किए गए वादे के मुताबिक हुकूमत 6 जमानतों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म, इस बात की निशानदेही करते हुए कि 2 जमानतें पहले ही लागू हो चुकी हैं। तेलंगाना मुखन्ना का बजट सेशन। कांग्रेस से एमएलसी बालामोरी वेंकट आरटीसी बस में पहुंचे। तेलंगाना मुखन्ना के बजट सेशन के पहले दिन कांग्रेस के रुकने खानसास कौंसल बालामोरी वेंकट आरटीसी बस के जरिए कौंसल पहुंचे। जल्दबाजी में बिलों को पास नहीं किया जाना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। अराकीन को निकालने के बाद ऐवान में बिल पास करवाए जा रहे, जिसकी वजह से बिलों पर बहस नहीं हो पाती और हुकूमत जल्दबाजी में बिल पास कर लेती है, ये अच्छी शुरुआत नहीं। धरानी पोर्टल पर वज़ीर-ए-आला तेलंगाना को जल्द अबूरी रिपोर्ट पेश की जाएगी। बताया जाता है कि कमेटी ने पहले ही मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों, कलेक्टरों और नुमाइंदों से धरानी पोर्टल के मसाइल पर बातचीत की है। अंदरून 2 हफ्ता महकमे पुलिस में 15,000 जायदादों पर तकरीरात, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आइंदा 15 दिनों में 15,000 पुलिस कांस्टेबलों की मखलुआ जायदादों पर तकरीरात का ऐलामिया जारी किया जाएगा। इसके अलावा 64 नए ओहदों को शामिल करते हुए ग्रुप 1 का ऐलामिया भी जारी किया जाएगा। ₹500 में गैस की सरबराही, हुकूमत का अहम ऐलान। रियासती हुकूमत ने ऐलान किया है कि ₹500 में गैस सिलेंडर की स्कीम के निफाज के लिए सफ़ेद राशन कार्ड को मियार के तौर पर अपनाया जाएगा। महकमे सेहत में डिपुटेशन बर्खास्त। हुकूमत ने महकमे सेहत और ख़ानदानी बहबूद में डिपुटेशन को मनसूख करने का एक अहम फैसला किया। किसानों का आज पार्लियामेंट मार्च, कई पार्टियों की हिमायत। दफा 144 लागू, ट्रैफिक पुलिस के एडवाइजरी जारी। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई तब्दीली नहीं की, होम लोन की ईएमआई कम नहीं होगी, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। ईडी की दरख्वास्त पर समाअत के बाद दिल्ली की अदालत ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को तलब कर लिया। मौसम का हाल, शुमाली हिंद में धूप खुल गई मगर सर्द हवाओं ने पैदा की ठिठुरन। सऊदी अरब ने गैर मुल्कियों पर बड़ी पाबंदी आयद कर दी। वजारत की जानिब से कहा गया कि सब्जी मंडी में गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी सऊदीजाइशन के लिए है। सब्जी मंडी में दाखिल होने की कोशिश करने वाले हर गैर मुल्की को कफील से लेटर का मुतालबा किया जा रहा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। इसी के साथ केबीएन हेडलाइंस इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज़।